அலரி அலா சிம்பாலா அலரி அலா சிம்பாலா அலரி அலா சிம்பாலா अच्छी फिल्म बनाया, बहुत अच्छी फिल्म बनाया। रोहित शेट्टी वीर सिंह कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। और सारा अली खान रणवीर सिंह जोड़ी कैसे? बेस्ट जोड़ी लगी, बेस्ट। आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 4 देंगे। हलारे आला सिम्बाला, हलारे आला सिम्बाला, हलारे आला सिम्बाला। थैंक यू सो मच। कैसे? वेरी नाइस, अच्छा स्टोरी है और सब्जेक्ट अच्छा है। रैप के ऊपर कॉमेडी से शुरू होकर सीरियस हो जाती है स्टोरी, ये अच्छी कहानी है। तो फिल्म एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है। या इमोशन, एक्शन और रोमांस सब है उसमें, कॉमेडी भी है। और रोहित शेट्टी जी हमेशा नई फिल्म नई कहानी लेकर आते हैं। इसमें सिम्बा जो रणवीर सिंह ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। तो रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह धमाल मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पर? ऑब्वियसली धमाल मचाएंगे। और उनका जो अजय देवगन जी को लाया है और फिर अक्षय कुमार को एंड में लाया, वो अच्छा लग रहा है। एंट्री कैसी लगी बताइए सर? एंट्री बहुत ही बढ़िया है, शेर के जैसे। जो मुद्दा है रेप का, जो आज देश में नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है और पुलिस अलर्ट हो रही है, तो शायद वो रोका जा सकता है। ये अच्छा एक मैसेज है फिल्म का। अपना जो सिम्बा है उसके लिए 5 या मैम। ओके, रेकमेंड करेंगे लोगों को देखने के लिए? ऑब्वियसली लोग जाएं और सिम्बा देखें, थिएटर में जाकर देखें और इसको जरूर एक बार तो देखें। अच्छा, जाते जाते बोलिए आला रे आला सिम्बा आला। हम दोनों साथ में बोलते हैं आला रे आला सिम्बा आला। कैसी लगी सिम्बा बताइए? सुपर मूवी, 5 out of 5 star। रणवीर कैसे लगे बताइए? रणवीर, अरे माइंड ब्लोइंग, मतलब खाद खा गए पिक्चर। अजय देवगन की एंट्री और लास्ट में अक्षय कुमार की एंट्री, अक्षय कुमार। ओके, सीटी बजाए, कितनी सीटी, कितनी तालियां? मैंने तो फाड़ दिया थिएटर पूरा। इतना मजेदार मूवी है ना, मतलब बोल नहीं सकते। डायलॉग सॉन्ग, सारा अली खान और मजा बहुत आया। मतलब मैं कहीं पर भी है ना, ऐसा नहीं कह सकता कि ये मूवी डाउन हुई, एकदम ऊपर ही ऊपर लेवल बढ़ता ही गया। रोहित शेट्टी, हैट्स ऑफ रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह धमाल मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पर। मचा दिया, फर्स्ट डे फुल हाउसफुल था। अगर आप कोई एक डायलॉग बोलो ना फिल्म का, रणवीर सिंह का। टेल मी समथिंग आई डोंट नो, ते सांगा जो जे मला माहित नाही। आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 5 out of 5, कहीं पे कोई आपको कम नहीं देते हुए दिखेगा। जो जिसको उस ये मूवी समझ में नहीं है, वो ही बोलेगा कि हाँ, नहीं तो मूवी का लेवल बढ़ता ही गया, कहीं कम नहीं हुआ। अच्छा, तो जाते जाते ना आला रे आला सिम्बा आला जोर से बोलिए। आला आला सिम्बा आला। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मूवी। स्टोरी कैसी लगी फिल्म की? रणवीर कैसे? इट वाज रियली गुड। रणवीर एज एक्टर हैज डन ऑसम जॉब, वेरी गुड मूवी। और मैं अगर बात करूं कि अजय देवगन की एंट्री की, वो कितनी पसंद आई आपको? वेरी गुड, समथिंग वेरी डिफरेंट, वी नॉट नोइंग अजय देवगन इज इन द मूवी। फिल्म को कितना स्टार देंगे? 5 में ऑलमोस्ट 4+। ओके, तो रेकमेंड करेंगे लोगों को ये फिल्म देखने के लिए? ऑलमोस्ट मेक श्योर यू एवरीबॉडी गो एंड सी द मूवी। आला रे आला सिम्बा आला। यस, आला रे आला सिम्बा आला। कैसी लगी फिल्म आपको सिम्बा? पिक्चर जो ठीक बना है रोहित शेट्टी साहब ने, लेकिन थोड़ा और चाहिए था मसाला डालने के लिए, वो नहीं डाले। जैसा सिंगम है वैसा तो नहीं बना, लेकिन पिक्चर ठीक ही बना है उन्होंने। देखिए आजकल स्टोरी मिल नहीं रहा है तो भी, सो रोहित शेट्टी साहब ने इतना मेहनत करके, मतलब थोड़ा बहुत मसाले पे लेके आया और यहाँ तक उतरा है। और लास्ट में जो है उन्होंने अजय देवगन और एंडिंग में अक्षय कुमार को ले करके, थोड़ा बहुत जो पब्लिक में एनर्जी नहीं थी, थोड़ा एनर्जी आ गया। ये पिक्चर है, फ्लॉप नहीं जाएगा, पिक्चर हिट रहेगी और रिस्पांस मिलेगा, पूरा एक हफ्ता चलेगी पिक्चर, लेकिन इसके बाद का नहीं बोल सकते। रणवीर सिंह कैसे लगे उनके बारे में बताइए? देखिए रणवीर सिंह जो है उनके जो उनकी इसके पहले जो पद्मावती आई थी, उन्होंने उसमें जो विलन का रोल का काम किया वो भी परफेक्ट, देखने लायक था, लाजवाब था। इसमें भी जो है उन्होंने जो काम किया देखने लायक है, लाजवाब है, कोई भी उनके में कुछ खोट नहीं निकाल सकता, इतना अच्छा उन्होंने काम किया। मतलब ये है कि रोहित शेट्टी साहब को उन्होंने मतलब ये निराश नहीं किया और ये पिक्चर जो है उनको निराश भी नहीं होगा। और इतना मेहनत करके उन्होंने बनाया पिक्चर और इतना वो परफॉर्मेंस दिए, अच्छा काम किए, पिक्चर हिट रहेगी, फ्लॉप नहीं जाएगी। यही है कि जो मतलब जैसा चलना चाहिए जोरों में उतना नहीं रहेगी, लेकिन पिक्चर हिट है और जबरदस्त। आपकी तरफ से आउट ऑफ 5 कितना देंगे? और इसमें और एक कलाकार जो है नया है, उसका दूसरा पिक्चर है इसका, हाँ वो लड़की जो है उसका नया है, वो चेहरा जो है नहीं याद आएगा तो भी अमृता सिंह का चेहरा याद आ जाता है उसको देख के। ये पिक्चर जो है उसकी पहली पिक्चर हिट हो रही है,
तो मैं वो लड़की के लिए आशीर्वाद चाहूँगा कि ऐसे आगे भी उसका हिट होते रहे। अच्छी पिक्चर है, सुपर हिट पिक्चर है, हिट होएगी। अरे पूरा देखिए, रोहित शेट्टी साहब को हमेशा मैं पाची दिया हूँ और मैं पाची दूंगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और पिक्चर पब्लिक को निराश नहीं करते और पूरा मतलब है ख्याल रखते हैं। इन्होंने इंटरवेल तक हंसाया, इंटरवेल के बाद उन्होंने ऐसा मतलब मसाला दिया, क्लाइमेक्स चेंज किया और लास्ट तक जो है उन्होंने लेके गए। थोड़ा बहुत इतना ये नहीं है एक्साइटमेंटमेंट जैसा, मतलब रोंटे खड़े कर देने वाले, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन पिक्चर बोर नहीं है, पिक्चर अच्छी है, फैमिली पिक्चर है ये। ज़्यादातर ये देखने को जाएगा तो फैमिली फैमिली बैठ के ज़्यादा देखेंगे पिक्चर और इन्जॉय करेंगे। पिक्चर अच्छी है, ज़बरदस्त है, चलेगी। नहीं है देखिए, ये अंकल हमारे आ रहे हैं, वो जो है हाँ उनको मिल लीजिएगा, वो बताएंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो हिट बोलेंगे पिक्चर, ये सुपर हिट बोलेंगे, 5 में से 5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्टिंग बिक्टिंग अच्छा है। और एक लड़की लोग के बारे में बताया, लेकिन इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी। अच्छी लगी, बहुत अच्छा। इसका दूसरा पार्ट आना चाहिए, इसमें अक्षय कुमार का रणवीर सिंह ने फाड़ दिया, पूरा पैसा वसूल, फैंटास्टिक। स्टोरी बहुत हार्ड थी, कड़क थी, अच्छी मूवी है। और देखो आप भी आओ, आप भी देखो, मजा आएगा। कैसी लगी फिल्म आपको सिम्बा? अच्छी पिक्चर है, अच्छी। रोहित शेट्टी की डायरेक्शन की बात करूं, रणवीर सिंह, सब चीज अच्छी है इसके अंदर। बड़ी सेटिंग बनाई पिक्चर, बड़ी जोरदार बनाई, कमाल है। कैसे उसको सेट किया है, कैसे उसको लाए हैं, वो क्या रणवीर सिंह को, और किस तरह उसको ड्रेस पहनाई है पुलिस की, वाह वो तो देखने लायक था। स्टोरी कैसी लगी फिल्म की, जो सोशल मैसेज दे रहे हैं? देखो उसकी मैरिज के बाद पहला उसका तोहफा, उसको गुड पूरा इनाम मिलेगा। अच्छा, तो आपको लगता है ये रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह जो आए साथ में धमाल मचाएंगे बॉक्स ऑफिस में? हाँ। गाना कौन सा पसंद आया फिल्म का? आँख हमारे, उनको तो। कैसी लगी फिल्म आपको सिम्बा, बताइए? धमाका, पैसा वसूल, फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी। साल खत्म होते होते यार चलो एक मजा आ गया देख के, इतना जबरदस्त पिक्चर है, पब्लिक पागल हो रही है अंदर, इतना आवाज़ हो रहा है ऐसे लग रही खान्स की पिक्चर देख रहे हैं। डायलॉग सुना नहीं दिए, कम से कम और 4 से 5 बार देखेंगे तो पता चलेगा कि डायलॉग्स कौन से क्या थे। ओके, तो इतना आवाज़ था। फिल्म के अंदर एक्शन है, कॉमेडी है, इमोशन है, सब सब कुछ है। एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा भी है, इमोशन तो बहुत कुछ है, और बैकग्राउंड स्कोर तो बहुत ज़बरदस्त है। और एक दो चीज़ सोने पे सुहागा हो गया, एक अजय देवगन हो गए और एक अक्षय कुमार हो गए। आपने कितनी सीटियाँ बजाई, कितनी तालियाँ बजाई, कब कब बजाई बताइए? मैंने रणवीर सिंह की एंट्री पे ताली बजाई, बैकग्राउंड स्कोर जब एंट्री का होता तब मैंने ताली बजाई, अजय की एंट्री पे ताली बजाई, वो तो उठ के ताली बजाई थी, अजय तो सिंगम, असली सिंगम तो अजय देवगन ही है, और अक्षय की एंट्री पे ताली बजाई थी मैंने। ये तीनों को साथ में देखिए कैसा लगा? साथ में एक फ्रेम में तो नहीं आए, अजय और रणवीर सिंह साथ में थे तो देख के मज़ा आ गया था। कभी थोड़ा थोड़ा भाई की भी आ जाती है कि यार दबंग बीच में हो जाते हैं तो और थोड़ा मज़ा आता, लेकिन ठीक है, इट वाज गुड। बट रोहित शेट्टी से थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि ट्रेलर में अजय देवगन को दिखा दिया था, अगर वो नहीं दिखा होता तो और मज़ा आता, पब्लिक को और रुकते कि अरे क्या हो गया, अरे अचानक अजय देवगन कहाँ से आ गए, तो वो थोड़ा एक डिसअपॉइंट हो चुका हो कि आई थिंक पब्लिक ही अंदर बात वही करी थी कि अजय देवगन को नहीं दिखाना चाहिए ट्रेलर में। एनीवेज जहाँ जहाँ रोहित शेट्टी को पता है ऑडियंस को क्या चाहिए, कहाँ पे गाने डालने, कहाँ पे म्यूजिक डालना है, कहाँ पे एंट्री देनी है और कहाँ पे अजय की एंट्री देनी है। अच्छा, तो ये जो रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जो जोड़ी आई है तो ये धमाल मचाएगी बॉक्स ऑफिस पर? मचा दी, समझ लो मचा दी। आई थिंक सब लोग ये बात कर रहे हैं, मैं भी खुद मानता था कि रणवीर सिंह सिर्फ संजय लीला भंसाली की पिक्चर कर सकते हैं, तो आई थिंक ये अभी हट चुका है, रणवीर सिंह कहाँ भी काम कर सकते हैं, रियल लाइफ हो कि रियल लाइफ हो वो ऐसे काम करते हैं। एनर्जेटिक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सारा अली खान और रणवीर सिंह की, ये जोड़ी कितनी पसंद आई आपको? जोड़ी ठीक ठाक थी, इतनी कुछ बहुत ग्रेट नहीं थी, इट वाज गुड बट नॉट ग्रेट। सारा अली खान ने अच्छा किया कि केदारनाथ फौज नहीं भी थी, बिकॉज इसमें बहुत ही कम रोल था, तो ठीक ठाक जोड़ी है, इतनी कुछ खास नहीं लगी, बट शी वॉज वेरी गुड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। गानों की बात करें कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा? सारे गाने अच्छे, सबके सब गाने अच्छे, म्यूजिक इतना जबरदस्त दिया है, आपको सीट पे चिपका के बैठेगा, अब उठने का मन नहीं करेगा, सब गाने अच्छे। सोशल मैसेज भी कुछ दिया है फिल्म में उसके बारे में? वुमन ओरिएंटेड के लिए बहुत अच्छी मूवी है, सब लोगों को देखनी चाहिए, आई थिंक ये सबको देखनी चाहिए और ये सीखना चाहिए, एक सीख है, एक मैसेज है, वो सीखना चाहिए उन लोगों को। आउट ऑफ 5 कितना देंगे आप? इट्स फुल ऑन पैसा वसूल, 5.5 स्टार्स प्लीज। मैं तो और 4-5 बार देखूंगा, पब्लिक मुझे डायलॉग सुनने, कौन सी डायलॉग फिर से बोलते हैं, धमाका मचा दिया। रिकमेंड करेंगे लोगों को? प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, रणवीर का फैन हो तो उसके फैन बन जाओगे, प्लीज गो एंड वॉच। तो
साथ में बोलते हैं आला रे आला सिम्बा, आला रे आला सिम्बा, थैंक यू के साथ सिम्बा आला, थैंक यू। कैसी लगी आपको सिम्बा बताइए? सिम्बा इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ बॉलीवुड, मुझे ऐसा लगता है इस साल की सबसे बड़ी हिट हो सकती है डेफिनेटली। आफ्टर 2.0 250 करोड़ की बिजनेस ऐसे ही पार करेगी। रणवीर सिंह की फिल्म है जिन्होंने ये साल शुरू किया था पद्मावत से, जो कि और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और एंड कर रहे हैं विद सिम्बा डेफिनेटली, एंड इट विल बी ए ह्यूज ब्लॉकबस्टर डेफिनेटली। और लास्ट फिल्म की जो क्लाइमैक्स है जब अजय देवगन की एंट्री होती है और इतनी सीटियां इतनी तालियां, मींस वो 10 मिनट पूरा रणवीर सिंह पे भी भारी पड़े वो 10 मिनट। और अभी तो मैं सूर्यवंशी के लिए वेट कर रहा हूँ, अक्षय कुमार जब निकलता है ना डेफिनेटली, लाजवाब फिल्म है। और जो गाना है आंख मारे ये लड़की आंख मारे, आई थिंक एक अच्छा गाना रीमेक किया है जबरदस्त, और फुल ऑन पैसा वसूल एंटरटेनिंग मूवी है। और रोहित शेट्टी की जो जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है, वो मुझे लगता है इट्स अमंग द कमर्शियल मसाला फिल्म मेकर्स, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स, क्योंकि हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। अच्छा, आपने कितनी तालियां बजाई, कितनी सीटियां बजाई और कब कब बजाई बताइए? अरे जब भी आपकी सारा निकलती है या फिर रणवीर सिंह जब भी कोई पंचलाइन डायलॉग देते हैं, हालांकि डायलॉग कुछ सुनाई नहीं देते, मैंने इतनी सीटियां इतनी तालियां, मीन्स ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म बहुत दिनों से चल रही है, एकदम पूरा हाउसफुल जा रही है जबरदस्त। और ये फिल्म आज तो देख सकते पूरा 100% हाउसफुल है और अभी संडे तक पूरा शो बुक्स है। तो मुझे लगता है ये फिल्म इट विल बी लास्ट वीक, इस साल की लास्ट रिलीज है। तो ये क्या बोलूं, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिम्बा विल बी एक जो बोलते हैं ना एक गोल्डन जो बोलते हैं डक, तो वही। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी धमाल मचाएंगे बॉक्स ऑफिस, धमाल नहीं तोड़ देंगे, मींस बॉक्स ऑफिस फाड़ देंगे। 250 करोड़ तो ऐसे ही बिजनेस करेगी ये फिल्म जबरदस्त, ये फिल्म बहुत दिनों तक चलने वाली है। 3-4 ईयर्स तो ऐसे ही चलेगी ये फिल्म। और रोहित शेट्टी की हर एक फिल्म, चाहे वो सिंघम सीरीज ले लीजिए, गोलमाल सीरीज ले लीजिए, हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, ब्लॉकबस्टर होती है डेफिनेटली। और सारा अली खान रणवीर सिंह की जोड़ी ऑन स्क्रीन कितनी पसंद आई बताइए? लोगों को बहुत पसंद आई है, दोनों को देख के ही अच्छा लगता है, एंड दे आर वेरी लोग थे ना एक अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच में थी। हालांकि सारा अली खान की रोल काफी छोटी थी, और थोड़ा ज्यादा होता तो और अच्छा लगता, क्योंकि केदारनाथ में उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। हालांकि ये फिल्म में उनका रोल कम था, लेकिन जब भी निकलते audiences have really fallen in love with her. I think she has got a great future in Bollywood. Aur Ranveer Singh to superstar hai hi. Out of 5 kitna denge? 5 out of 5 to 5 star hi dunga. Definitely it will be a huge huge blockbuster. To jaate jaate saath mein bolte hain ala re ala simba. Ala re ala simba. Thank you so much. To dost kaisi lagi simba bataiye? Jodi simba was terrific hit of the year. Terrific. Matlab Rohit Shetty ne aag laga di theater mein. बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड था बट एक्सपेक्टेशन से डबल, डबल एक्सपेक्टेशन दे दिया। मतलब अननोन था कि भाई लास्ट में अक्षय कुमार दिखेंगे और उसने बता दिया कि 2019 अक्षय कुमार विल बी द नेक्स्ट स्टार इन द फिल्म। अजय देवगन की एंट्री वाज सुपर्ब, अमेजिंग। मतलब मूवी वाज जंप, टेक्निकली अगर देखा जाए तो भी बहुत अच्छी है फिल्म। आप लोगों ने कितनी तालियां बजाई, कब सीटियां बजाई बताइए? गिने नहीं है, सोच लो अभी कितनी बजाई रहेगी। रणवीर सिंह की एंट्री पे ओ माय गॉड, पब्लिक पागल हो गई है। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली मैं तो बोलूंगा कि अपर स्टॉल और स्टॉल वाली ऑडियंस तोड़ गोइंग मैड, मतलब पागल हो गई। और मैं तो ये बोलूंगा कि रणवीर सिंह के एंट्री पे जितनी तालियां और सीटियां बजी है उससे डबल अजय देवगन के सिंघम के एंट्री पे बजी। और यस, पावरफुल फिल्म, मैं तो बोलूंगा 2-3-4 बार देखो फिर भी बोर नहीं होगा, इतना एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। अच्छा, तो ये रणवीर सिंह और जो रोहित शेट्टी साथ में आए हैं तो धमाल मचा देंगे बॉक्स ऑफिस में? धमाल मचा दी है, यस यू कैन सी दैट, धमाल मचा दी है। और एक दोनों की एनर्जी, दे हैव गिवन अ मैसेज, एक मैसेज भी दिया है फिल्म के साथ में अलोंग विद मसाला, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। मतलब पावर पैक फिल्म थी, रोमांस भी था, मसाला भी था, एंटरटेनमेंट भी था, कॉमेडी ज्यादा तो हमारा एक्टर है मुझे राहत फतेह अली खान मुझे आंख मारे गाना अच्छा लगा। आंख मारे गाइए और आप राय। अरे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। मेरे को स्टार्ट लेना उस गाने का, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तो थैंक यू सो मच। आउट ऑफ 5 कितना देंगे फिल्म को बताइए? 4 विल गिव 4 4 आउट ऑफ 5 यस, विल गिव 4 सैल्यूट, एंटरटेनिंग, जाओ देखो और मजे करो अलोंग विद फैमिली, बिकॉज़ इट इज इवन अ मैसेज फैमिली फिल्म। या इट्स अ फैमिली। ओके, तो जाते-जाते अब हम सब तीनों साथ में बोलेंगे आला रे आला सिम्बा आला। ठीक है, 1
थैंक यू। तो दोस्त कैसी लगी सिम्बा बताइए? सुपर हिट एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, ब्लॉकबस्टर। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ फिल्म के अंदर है कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, सारी चीजें, फुल एंड फुल एंड मसाला भर दिया उसने। इवन रोहित शेट्टी है सो ऑब्वियसली उसमें पूरा मसाला होगा, मास एंटरटेनिंग है। और सीरियसली बताने का ना, एक उसमें एक सोशल मैसेज है ना, सुपर मैसेज है। इवन उसमें एक मेंशन किया है कि 8 महीने की बच्ची पे ऊपर रेप हो रहा है, मतलब जो पता है उसको, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन सुपर मैसेज बताया वो एंड में जो मैसेज दिया ना, रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली। और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ना रियल लाइफ में ना सेम जॉली है, उसमें भी पिक्चर में भी फुल जॉली, फर्स्ट हाफ में पूरा पूरा एंटरटेन किया, पूरा हंस हंस के लोटपोट हो गया, पूरा थिएटर बोला हंस हंस के पागल हो रहा है। मतलब फर्स्ट हाफ में जितना हंसाया और सेकंड हाफ में उतना ही इमोशन भी। यस सीरियसली सेकंड हाफ में इमोशंस था, सोशल मैसेज भी था, इवन एक्शन तो भर भर के। लेकिन जब अजय देवगन की एंट्री पे कितनी सीटियां, कितनी तालियां बजा, अरे बहरा हो गया मैं, कान सुन हो रहा है मेरे अभी भी, वो बीच वो बाजू वाला इतना सीटियां बजा रहे ना, बोला भाई आराम से, वो बोलता है भाई अजय देवगन, बोला पता है मैं भी देख रहा हूँ भाई अजय देवगन की एंट्री है। और वो सब जो ठीक था, बाद में अजय देवगन की एंट्री हो गई, फाइटिंग हो गया, बाद में सब लोग आला रे आला सिम्बा आला, ओके। उसके बाद अजय देवगन के बाद अक्षय कुमार की एंट्री, वो आ गया फिर से सीटियाँ बजा रहे, अरे भाई आराम से, बोला भाई अभी अक्षय कुमार तो ऑब्वियसली भाई खिलाड़ी तो ऑब्वियसली आएगा ही वो। और वो रोहित शेट्टी है यार, रोहित शेट्टी मास एंटरटेनर है, लेकिन जो बताया ना इस मूवी में सुपर। तो ये दो जोड़ी आई है रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह, तो धमाल मचा देगी बॉक्स ऑफिस में, पूरा धमाल मचा देगी, और जीरो को जीरो में डाल देगी, सिम्बा सिंगम की तरह ऊपर जाएगी, लिख के लो। जीरो को चबा डाला, जीरो को चबा डाला, सीरियसली चबा डाला। और न्यू ईयर का ना गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट गिवन टू बाय रणवीर सिंह एंड रोहित शेट्टी, सुपर। आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग दोगे बताइए? आउट ऑफ 5 इसको स्टार मत दो, यूनिवर्स दो, पूरा यूनिवर्स दो उसको, पूरा मास्टरपीस पिक्चर बना है, वो भी इतना सोशल मैसेज, इतना पॉइंट से, इतना मतलब स्क्रीन प्ले इतना टाइट रखा ना, पब्लिक को उतने नहीं दे रहे थे, मतलब यार शी इतना कभी कभी बोर लग रहा है, नहीं नहीं एकदम पावर। तो चलिए जाते जाते ना आप दोनों साथ में बोलिए आला रे आला सिम्बा, आला रे आला सिम्बा आला, टन 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 टन। वो तो म्यूजिक है ना यार, मतलब रोंगटे मतलब गूज़बम्स आ रहा है, गूज़बम्स वो सीन पे हर वक्त, वो जुबा पे आ गया, क्योंकि वो पिक्चर सबको देखनी चाहिए, सब लेडीज लोग को भी देखनी चाहिए, सब इंडियन लोगों को देखनी चाहिए, जो इंडियन है सच में इंडियन है वो उसको ही देखनी चाहिए, और जो पाकिस्तानी है उसको नहीं देखनी चाहिए, और सीरियसली लेडीज लोग को मूवी देखनी चाहिए, पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए, उनको भी है हक इंडियन सिनेमा देखने, सब लोग देखनी चाहिए। एंड गो गाइस फॉर सब्सक्राइब ऑन बॉलीवुड स्पाय। और कैसी लगी सिम्बा बताइए? बहुत अच्छी मूवीज है, अच्छी बनाई है, जो तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बताया, या फिर जो मतलब इंडिया की जो नॉर्मल ये है ना, हाँ वो मतलब सॉल्व किया, और वो होने भी चाहिए, रिस्पेक्ट गर्ल्स के बारे में वो सब होनी चाहिए। बाकी मूवी बहुत ट्रेलर देख के तो पता चलेगा ये पूरा जो ये जो पिक्चर नहीं 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 जो ये है ना केस है ना वो रेप के ऊपर ही ऐसा वो बता रहे थे, वो पता चलेगा ट्रेलर में मालूम पड़ गया। अच्छा अगर मैं बात करूँ रणवीर सिंह की, तो रणवीर सिंह पुलिस यूनिफॉर्म में कितने पसंद आए, और कहीं ना कहीं जो अब तक हमने पुलिस यूनिफॉर्म में दूसरे एक्टर्स को देखा, टक्कर दे पाए वो सिम्बा के? लड़के को पूछेगा तो बोल नहीं पाएगा, मतलब उनके पास लड़की को पूछो लड़के कैसे अच्छे लगे वैसा उसको पूछो, हम तो ऐसा बोल नहीं पाएंगे। अगर मैं बात करूँ सारा अली खान और रणवीर सिंह की, तो कैसी लगी उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन? अच्छी लगी, अच्छी है, बॉन्डिंग गुड, दोनों की बॉन्डिंग अच्छा है, सारा और रणवीर की, उसका रणवीर एक्टिंग उसकी कड़क है, उसमें इसमें खा लिया उसने, उसमें खा लिया इसने। ओके अच्छा, रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह पहली बार आए हैं, तो कितने पसंद आ रहे हैं ये दोनों? धमाल मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पर? बॉक्स ऑफिस में एक्चुअली मचा दी है अभी, और आगे कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार भी आ रहे हैं अभी 2019 में। हाँ, वो जो सूर्यवंशी है? वीर सूर्यवंशी तो आएंगे, तो अभी देखेंगे क्या होगा। रोहित शेट्टी मतलब और कुछ ना कुछ अलग लेकर, नाम क्या होगा, सिम्बा 2 हो गया, कुछ दूसरा होगा, कुछ और होगा वो सोचो। ओके आउट ऑफ 5 आप कितना देना चाहेंगे? 4.5, वही मैं उनको भी वही बोला कि रणवीर सिंह का, तो उसके बाद फिर सारा लिखा नहीं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा उसका था, फिर उसके बाद डायरेक्ट सीन वो उसका ही था, केस का ही था पूरा,
तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीन में ही थी वो, इसके लिए उसको थोड़ा लेते थे। हाँ रोमांस का रोमांस का सीन था ना, तो उसके लिए बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली मूवी इसकी पुलिस के ऊपर है, तो वो सिर्फ रोमांस का पार्ट अंदर डाला है उसमें, तो वो थोड़ा अच्छा ही है। अच्छा ओके, जाते जाते रेकमेंड करेंगे लोगों को ये फिल्म देखने के लिए? श्योर, बोल सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है, देख लेना। कैसी लगी आपको सिम्बा बताइए? बहुत अच्छी थी, इट वाज अ वेरी गुड मूवी, इट वाज 5 out of 5। रणवीर सिंह पुलिस यूनिफॉर्म में कितने पसंद आए और स्टोरी कैसी लगी? रोहित शेट्टी का डायरेक्शन कैसा लगा? रोहित शेट्टीज डायरेक्शन वाज रियली नाइस, सो गुड एक्शन, पावर पैक लाइक ऑलवेज, वाज वेटिंग फॉर द कार सीन व्हिच केम इन द एंड विद अजय देवगन, सो सीटिया ताली बजाए जब अजय देवगन की एंट्री हुई रणवीर सिंह की। ऑसम ऑसम, एंड द बेस्ट पार्ट वाज सूर्यवंशी व्हिच कमिंग आउट नेक्स्ट, कांट वेट फॉर इट, रियली गुड मूवी। ओके, तो आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 5 out of 5। रेकमेंड करेंगे लोगों को फिल्म? ऑफ कोर्स, यू शुड वॉच दिस मूवी। तो आला रे आला सिम्बा आला आला रे आला सिम्बा आला। थैंक यू।